हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। ये देख सकते हैं, ये इस तरीके से आपको दिखेगा अगर आप एमएस एक्सेस को ओपन करते हैं तो, और फिर आपको यहां पर व्यू दिखेगा। तो यहां से व्यू पर आ जाइए और आ जाइए डिजाइन व्यू पर। डिजाइन व्यू पर क्यों आना है? क्योंकि एमएस एक्सेस में चीजों को डिजाइन करना, तो यहाँ पर डिजाइन व्यू पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर आ रहा है टेबल वन। आप अपनी जरूरत के हिसाब से, आपको लगता है कि आपका डेटाबेस किस चीज का है, आप यहाँ पर नाम डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ स्टूडेंट डी, ठीक है। तो ये मैंने इसका नाम रख दिया स्टूडेंट डी। अब ये कुछ इस तरीके का सिनेरियो आ जाएगा। अब ये डिजाइन व्यू में है हम, ठीक है। आपको इसमें तीन चीजें दिखाई दे रही होंगी, पहला है फील्ड नेम, दूसरा है डेटा टाइप और तीसरा है डिस्क्रिप्शन। अगर आप इस फील्ड नेम के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो यहां पर दे सकते हैं, ये प्रिंट में नहीं आएगा, ठीक है। यहां पर इसे प्राइमरी की कहते हैं, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं। यहां पर आएगी स्टूडेंट की आईडी, मींस रोल नंबर भी आप कर सकते हैं। तो यहां पर मैं टाइप कर देता हूं रोल नंबर, कुछ इस तरीके से रोल नंबर टाइप कर दिया हमने। और रोल नंबर को टाइप करने के बाद हमें क्या करना है, यहां पर आप ऑटो नंबर रख सकते हैं। ये सारे डेटा टाइप्स हैं, ठीक है। तो यहां पर आप चाहे तो ऑटो नंबर रख लीजिए या कुछ भी ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल ऑटो नंबर है तो मैं ऑटो नंबर ही रहने देता हूं। और नीचे आते हैं और यहां पर नेम ऑफ स्टूडेंट कर देते हैं। तो ये लिख दिया मैंने नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। लुकअप विजिट की बात करेंगे हम इस वीडियो में, तो ये नेम ऑफ स्टूडेंट कर दिया। और यहां पर चाहे तो आप ड्रॉप डाउन भी बना सकते हैं। ड्रॉप डाउन बनाने का तरीका बड़ा आसान है। यहाँ पर लुकअप विजिट पे जाइए और लुकअप विजिट पे जाकर के आप ड्रॉप डाउन क्रिएट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है आई वॉन्ट द लुकअप फील्ड टू गेट द वैल्यूज फ्रॉम अनदर टेबल। तो क्या हमारे पास कोई अनदर टेबल है जहां से हम ये वैल्यूज लेके आए? नहीं, हमारे पास तो नहीं है। तो हम यहां पर इस पर क्लिक कर देते हैं। आई विल टाइप इन द वैल्यू दैट आई वॉन्ट, बस इस पर क्लिक करके, और यहां पर नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए और यहां पर टाइप कर दीजिए वो वैल्यू। लाइक मैं लिख देता हूँ राहुल, ओके। फिर लिख देता हूँ सचिन। इस तरीके से कुछ नाम मैं यहाँ पे इनपुट करा देता हूँ, ठीक है। सूरज, ओके। तो ये कुछ नाम हो गए और यहां से फिनिश पे क्लिक कर देते हैं। अब इसका फायदा ये है कि यहाँ ड्रॉप डाउन में हमें नाम दिखाई पड़ेंगे। यहां पर आते हैं और यहां पर डेट डालते हैं, डेट ऑफ एडमिशन, ओके। तो ये डेट ऑफ एडमिशन कर दिया हमने। और यहां पर आते हैं तो आप देखेंगे कि यहां पर डेट एंड टाइम डेटा टाइप मिल रहा है, तो ये आप कर देते हैं। लेकिन यहां पर हमें इनपुट मास्क में आना है। ये जो इनपुट मास्क है, यहां पर आते हैं, ये आ गए। अब यहां पर आपको थ्री डॉट्स दिखाई पड़ेंगे, इसी डॉट्स पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये कह रहा है कि पहले इसे आप सेव कर लीजिए, तो सेव कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर डेट का फॉर्मेट आपको क्या रखना है, यहां पर आपको डेट के अलग अलग फॉर्मेट मिल जाते हैं। जैसे कि ये फॉर्मेट है लॉन्ग टाइम फॉर्मेट, तो ये इस तरीके से दिखाएगा आपको, ठीक है। ये टाइम का फॉर्मेट है, डेट का फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है, शॉर्ट डेट है, ठीक है। फिर ये भी टाइम का फॉर्मेट है। फिर यहाँ पर आएंगे नीचे तो यहाँ पर मिलता है आपको डेट का फॉर्मेट है, और ये भी टाइम का फॉर्मेट है, और यहाँ पर आपको मिल जाता है डेट का फॉर्मेट। तो आपको जो भी फॉर्मेट रखना हो इनपुट मास्क का यूज करके आप ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए हम इंग्लिश स्टाइल वाला रखते हैं, यहाँ पे ये रखते हैं। और अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लेस होल्डर कैरेक्टर, अब इन सब का अपना अलग महत्व है, जानते हैं ये क्या कह रहा है। आपको डेट को अलग करना है तो अंडरस्कोर लगा के अलग कीजिएगा, हैश लगा के अलग कीजिएगा, या इसके थ्रू एट द रेट के थ्रू करिएगा, या ये जो आपको साइन दिया गया है एक्सक्लेमेशन का, इसके थ्रू करिएगा। इसके नीचे भी आप आएंगे तो और भी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो फिलहाल हम अभी रखने वाले हैं इसी को, ठीक है। तो इसको रख दिया, और इसको रखने के बाद यहां पर आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, इस तरीके का फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा, ओके। इस तरीके से आप डेट डाल सकते हैं, ओके। अब इसको यहां से फिनिश कर दीजिए। फिनिश कर दिया, आपका काम हो गया है। अब यहां से व्यू पे करना है क्लिक। तो जैसे व्यू पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये इस तरीके से आया हुआ है आपका आउटपुट, ठीक है। तो बाकी की चीजें तो हम बहुत पहले से सीखते आ रहे हैं, लेकिन ये एक बार डेट वाला तरीका देख लिया जाए। तो यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे डालना भी नहीं है आपको, क्योंकि हमने बनाया है ड्रॉप डाउन। तो यहां से आप चूज कर लीजिए, राहुल चूज कर लिया। अब यहां पर आते हैं तो यहां पर देखिए, आप एकदम से जैसे चाहे वैसे डेट नहीं डाल सकते। यहां पर देखिए, ये मैं करता हूं इस तरीके से, और यहां पर जैसे ही मैं कुछ अनअप्रोप्रिएट चीजें करता हूं, लाइक डेट डालने का फॉर्मेट चेंज बदलना चाहता हूं, तो यहां पे मैं बदल नहीं पाऊंगा। तो यहां पे तो फिर वही चीज की कैसे डेट डालनी है। तो यहां पर सबसे पहले तो आपको ईयर डालना होगा, ईयर जो भी ईयर चल रहा हो वो ईयर डाल दीजिए आप। तो यहां पे मैं कर देता हूं 22, ठीक है।
22 करना है आपको भी, इसी तरीके से लिख दीजिए 22, ये हो गया 22। यहां पर जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, क्या है वो लिख दीजिए। तो इसी फॉर्मेट में आपको डेट डालना होगा, आप किसी फॉर्मेट पे डेट नहीं डाल सकते, इनपुट मास का आपने यूज किया इसका यही फायदा है। तो यहां पे जनवरी कर देते हैं, JAN। तो देखिए अभी यहां पे ये एक्सेप्ट कर रहा है, और यहां पर कर देता हूं 26, तो ये हो गया 26 जनवरी। तो रिपब्लिक डे भी है, तो ये देखिए ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। पहले आएगा मंथ, फिर आएगा डेट, फिर आएगा ईयर, ठीक है। अब आपको दूसरा नाम चूज करना है, और ये हो गया, यहां पे क्लिक किया और यहां पे लिख देता हूं 26 कुछ इस तरीके से। तो ये 26 लिख दिया, और यहां से अगर मैं इसको सेव कर लेता हूं, और सेव करने के बाद इस पे क्लिक करता हूं, तो आप देखेंगे कि ये एक्सेप्ट कर गया है, और आपको फॉर्मेट इसी तरीके का रखना है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई और डेट हो एडमिशन की, तो मैं यहां पे इस तरीके से लिख देता हूं, ये एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूं, ठीक है। इसके जगह आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, ये 26 जनवरी ही नहीं कुछ और भी हो सकता है। तो जैसे ही मैंने एंटर किया, तो यहां देख सकते हैं फेब की जगह सेकंड मंथ आ गया, और यहां पे 22 आ गया। आई होप कि बात समझ में आई होगी, कैसे हम इनपुट मास का यूज कर सकते हैं डेट को सेट करने के लिए अपने अकॉर्डिंग। डेट पर वैलिडेशन लगा दिया मैंने, ठीक है। तो ये इनपुट मास से हो सकता है, और इसी फॉर्मेट में आपको ये डेट एंटर करना है। आई होप कि बात समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।